भी हैं, और भाई साहब ने अब नॉर्मल लॉस का टी अकाउंट नहीं बनाया। अच्छा बनाया बनाया माजरत सर, जरा मैं आपके पास एंट्रीज चेक करवा दूं। अपने पास रजिस्टर में जाकर ना सिर्फ एंट्रीज कंफर्म कर लीजिएगा। ये लास्ट क्लास में जो हमने सवाल किया था, क्या नंबर था इसका सवाल था? क्वेश्चन नंबर 16 में एक अदद आइटम आपको जो है वो दिया था, काफी अरसे बाद आया था जनरल एंट्रीज का। हम अब क्लोजिंग के अंदर आ गए हैं जहां पे हमारे पास एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है, स्क्रैप भी आ रहा है। गुड्स की थी, दैट वाज 269,910, ऐसे ही है। एंट्री आपके पास है फिनिश गुड अकाउंट डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। सर दूसरी एंट्री भाई ने पास की भी एक्सपेक्टेड स्क्रैप की, जो एंट्री पास हो रही है स्क्रैप अकाउंट डेबिट और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 10,000। स्क्रैप यार, अच्छा फिर भाई ने 16 ही लिखा है लेकिन इनका जो 6 और 0 है वो आपस में मुड़ गया है। अच्छा उसके बाद अगली तीसरी एंट्री पास की भी है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट बाय 29,910, ऐसा ही है। अच्छा चौथी एंट्री बहुत काम की है, चौथी एंट्री है एक्चुअल स्क्रैप की। एक्चुअल स्क्रैप जब भाई साहब बेचने गए तो इन्होंने चेक किया टी अकाउंट के अंदर जाकर, मेन प्रोसेस अकाउंट के अंदर जाके, कि आपके पास नॉर्मल लॉस हुआ है 2,000 का, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1,000 का, तो टोटल लॉस आपके पास 3,000 यूनिट्स का है। तो आप ये 3,000 यूनिट जब मार्केट में बेचने को गए तो एक यूनिट की रेट आपके पास लग रहे होते थे 8 रुपए, तो 24,000 रुपए कैश आपके पास आएगा। तो चौथी एंट्री भाई ने पास की भी 24,000 और स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट बाय 24,000। तो स्क्रैप का जो टी अकाउंट है, जो कि एक नया टी अकाउंट इस केस के अंदर बन रहा होगा, मैं बाकी टी अकाउंट इसलिए नहीं बना रहा कि प्रोसेस का आपके पास है, तो स्क्रैप के अकाउंट में पहली एंट्री पास हुई भी थी 16,000 से स्क्रैप अकाउंट हो रहा था डेबिट इन फ्रंट ऑफ प्रोसेस अकाउंट, और ये दूसरी एंट्री अभी आपने पास की है स्क्रैप अकाउंट हो रहा है क्रेडिट बाय 24,000 किसके अगेंस्ट, कैश के अगेंस्ट। अब अगली एंट्री के लिए आपको ऑब्वियसली यहां पे बैलेंसिंग फिगर के ऊपर बात करनी है। सर ये जो स्क्रैप की एंट्री आउट हो रही है ये क्यों हो रही है? सर अगर मैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पे बात करूं तो सर हमें नॉर्मल लॉस होना था 2,000 का, हमें लॉस हो गया 3,000 का, स्क्रैप में पैसा ज्यादा आ गया, तो 16,000 पैसा आना था, 24,000 पैसा आ गया, ज्यादा पैसा आ गया। तो सर ये ज्यादा पैसा क्यों आया? तो क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से आया, तो मैं इसकी एंट्री पास कर रहा हूं स्क्रैप अकाउंट डेबिट बाय 8,000 इन फ्रंट ऑफ व्हाट, एबनॉर्मल लॉस। एक टी अकाउंट हमारे पास और बनेगा, किस चीज का टी अकाउंट है दोस्त? ये एबनॉर्मल लॉस का। अच्छा एबनॉर्मल लॉस के टी अकाउंट के अंदर आप लोगों ने पहली एंट्री पास की थी अपने पास एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट हुआ था 29,910 किसके अगेंस्ट, प्रोसेस के अगेंस्ट। एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट में दूसरी एंट्री यहां से उठ के बाहर आ रही है, स्क्रैप अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके अगेंस्ट, एबनॉर्मल लॉस हो गया क्रेडिट किसके अगेंस्ट। तो ये एंट्री आपने बैलेंस फिगर के थ्रू पोस्ट कर दी। सर अब अपने अकाउंट क्लोज करने, इनकम और एक्सपेंस के सारे अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से बंद होते हैं, तो ये अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस से बंद होगा। कितना गैप आ रहा है दोस्त? 21,910, और ये एंट्री मेरे पास जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इसका मतलब अगर ये आखिरी एंट्री में पढ़ के आपको जो है वो सुना दूं, तो आखिरी एंट्री मैंने पास की हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, एबनॉर्मल लॉस। तो बेसिकली आपका लॉस जो है वो कम हो गया बिकॉज जाहिर सी बात है आप स्क्रैप में इसके अंदर सेल कर रहे हैं। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? ये आखिरी क्लास की एंट्री है, कि कोई ऐसा बनता है जिसको एंट्री पास करने में मुश्किल हुई हो? ये 2-3-4 मार्क की एंट्री आपके पास हर सवाल के अंदर जो है वो आ रही होती है। चले जी सर इसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, कितने सवाल हो गए थे? अच्छा अब तक लॉस आइडेंटिफाई प्रोसेस के एंड पर ही हो रहा है ना, अब तक 16 सवालों में लॉस आइडेंटिफाई पहले नहीं हुआ। सर हमने सुना है, कैलकुलेशन नहीं देखी। आप बोल रहे हैं कि कुछ कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि जिसमें लॉस पहले आइडेंटिफाई हो सकता है, उसका इंपैक्ट सवाल पे क्या पड़ेगा हमने नहीं देखा। चलें आज हम उसको भी जो है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास करेंगे। हेडिंग नोट कर ले प्लीज, मैं बता देता हूँ सवाल किस बारे में, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं। प्रोसेस अकाउंट 21,000 है, सॉरी यार ये लो, ये वन ही है तुम्हारे 0 और 6 की तरह। अच्छा अपने बाद नोट करें प्रोसेस अकाउंट, अगले सवाल की हेडिंग प्रोसेस अकाउंट विद CWIP, प्रोसेस अकाउंट विद CWIP कॉमा स्क्रैप प्रोसीड्स, प्रोसेस अकाउंट विद CWIP कॉमा स्क्रैप प्रोसीड्स कॉमा नॉर्मल लॉस।
एंड एबनॉर्मल गेन। मैं थोड़ी सी बातें चेंज कर रहा हूं। कितने सवाल हो गए? 17 हो गए, 16 हो गए? मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज करूंगा भैया, नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना।